Good afternoon, ma'am. I am Nisha Mattam, my teammate Anil Jaiswal. I am here to present our business idea to you. Basically, our business idea is about a clothing rental app. As you know, managers are an evergreen market. Last year in 2023 Shadi season, there were 3.5 million weddings only in India. लेकिन एक चीज जो बहुत कॉमन है जो शादी में रिक्वायर्ड है वो है कपड़े, बी इट ब्राइडल क्लोथ, ग्रूम क्लोथ या फिर जो गेस्ट जो हमारे आते हैं उनके सबको एक चीज़ एसेंशियल है, दूसरा क्लोथ्स। लेकिन ये चीज़ भी है कि वो कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड यू नो वो एक बार यूज़ होते हैं उसके बाद यू कांट वेयर देम अगेन, वो फिर आपके वार्डरोब में स्टोर होते हैं। फिर चाहे ब्राइड के कपड़े और गेस्ट के भी कपड़े हो आप 2 से 3 बार पहन सकते हो मैक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि एवरी ओकेजन यू रिपीटिंग देम, वो नहीं होता। वो आपके स्टोर बस आप स्टोर कर लेते हो फिर आपके वार्डरोब में उनका कोई फंक्शन दोबारा तो होता नहीं है। सो वी आर प्रेजेंटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप उन कपड़ों को बाहर निकाल सकते हो और जो आपका कॉस्ट लगा है वो आप रिडीम कर सकते हो बाय रेंटिंग देम आउट। आवर इनोवेशन हियर इज वार्डरोब शेयर देन फैशन एज यू वांट। बेसिकली ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड और आईडी प्रूफ डालोगे। द सेकेंड स्टेप आपको चूज करना है इफ यू वांट टू रेंट इन और रेंट आउट। अगर आपको कपड़े डालना है रेंट के लिए डालना है चूज रेंट इन एंड इफ यू वांट कि आप कपड़े वहाँ हमारे वेबसाइट से रेंट आउट कर रहे हो यू चूज रेंट आउट, नेम और ईमेल डाल के आप साइन अप करोगे। दिस इज आवर होम पेज, इस पे आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो जो भी ओकेजन या जो भी साइज के कपड़े आपको लेने हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो। देन आवर बिजनेस मॉडल, बेसिकली हमारा बिजनेस मॉडल एक B2C बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे हम जो अपकमिंग डिजाइनर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे ताकि उन्हें एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड हो, उनका मार्केट एक्सपैंड हो सके और वो लोग जो अपने कपड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स अपने वार्डरोब से बाहर निकाल के एक सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं वो दोनों हमारे वेबसाइट पे आएंगे और रेंट आउट करेंगे अपने कपड़े। और वो कस्टमर्स जो कि अफोर्डेबल प्राइस पे रेंट पे लेना चाहते हैं कपड़े दे विल कम टुगेदर एट द प्लेटफॉर्म एंड दे विल फाइंड अ वे टू मेक इट बेटर। द डिज़ाइनर्स भी आपको कोलैबोरेटेड विद, दीज आर द डिज़ाइनर्स। एज यू नो देर आर थाउजेंड ऑफ मोर देन 1000 डिज़ाइनर्स इन NCR एंड दीज आर सम ऑफ देम वी हैव कोलैबोरेटेड विद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी टीम ने बताया कि हम लोग डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करेंगे, तो हमने कुछ डिजाइनर से बात की है। ये हमारे कुछ डिजाइनर्स हैं, हमने देखा खाली NCR में 856 डिजाइनर्स थे खाली NCR में, और उसके बाद जब हमने एक्चुअली डाटा निकाला तो 120-150 डिजाइनर्स को ऐसे थे जिनका अभी गूगल पर कुछ लिंक ही नहीं हो पाया। हम उन डिजाइनर्स को मौका देंगे कि वो हमारे साथ आए और प्लेटफॉर्म में जुड़ के और हमारे साथ जुड़े। हमने इन 4 डिजाइनर्स और कुछ मैक्सिमम डिजाइनर्स से बात की है और वो हमें 20% तक मार्जिन देना चाहते हैं और उनके लिए भी एक बेनिफिशियल रहेगा कि उनको एक नाम मिलेगा, वो एक जरिया मिलेगा जहां से अपने कपड़े रेंट आउट कर सकते हैं। हर चीज को भी अगर रेंट आउट पे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि साइज चार्ट। भैया हमारे साइज का ही नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, शादी का टाइम है साइज भी नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम लोगों के में 2 साइज चार्ट ऑप्शन होगा, ये फीमेल के लिए ईमेल के लिए, जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जो लोग जैसे आप लोग अपने कपड़ा रेंट पे डाल रहे हैं तो आपको सब कुछ मेंशन करना होगा कि उस कपड़े में कैसा क्या साइज चार्ट है और जो इंसान लेने आया है वहां पे वो हर चीज को जो लोग लेने आए हैं वो हर चीज अपने साइज चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
इसमें हमारा एआई हेल्प करेगा, वो फिल्टराइज करके चीजों को बताएगा कि कैसे आपके प्रेफरेंस का क्या कपड़ा है और कैसे आपको लेना है। नेक्स्ट इज आवर कॉम्पिटिशन, ये हमारे तीन कॉम्पिटिशन है, रेंट द रनवे, फ्लाई ऑफ और क्लोथिंग। ये तीनों बेसिकली क्या करते हैं, ये डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ये कोई भी लोकल लोगों को मौका नहीं देते कि वो अपना कपड़ा रेंट पे डालें। हमारा यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट यही है, यूएसपी हमारी यही है कि हम लोकल लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप अपना कपड़ा डालिए रेंट पे और हमें अपना सोर्स ऑफ अर्निंग मिले और आपको भी कुछ सक्सेस अर्निंग मिल जाएगी। हमारी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्टार्टअप होता है उसको हम लोग बहुत वाइडली से स्टार्ट कर नहीं सकते, तो बेसिकली अभी हम सीधे नोएडा से उसको स्टार्ट करेंगे। नोएडा में लास्ट ईयर 10,000 मैरिज हुई थी। अगर आप 10,000 मैरिज में से 1,000 मैरिज के कस्टमर हम एक साल का मान के चलते हैं तो एक मैरिज में कितने ढेर सारे लोग होते हैं, गेस्ट हो गए, हमारे ब्राइड ऑफ ग्रूम हो गए, उन सबको होगा कपड़ा, तो बहुत ज़्यादा डाटा मिल सकता है हमें। और हम जैसा कि आपको पता है कि मैरिजेज एवर ग्रीन पॉइंट रहती हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, शादियाँ कभी कम नहीं होती हैं। हमारा मार्केट साइज देख सकते हैं, ये क्लोथिंग रिटेल आपका मार्केट साइज है ग्लोबली। सिर्फ 2020 में वो थोड़ा सा डाउन हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से, बाकी वो हमेशा ऊपर ही रहा है। यहाँ से ये अनुमान माना जाता है कि 2026 तक 7.5 मिलियन तक का होने का अनुमान है इसका। हमारे सर्विसेज हैं, ऑफर करेंगे हमें सब्सक्रिप्शन फ्रेमवर्क, क्वालिटी कंट्रोल और सिक्योर पेमेंट। सब्सक्रिप्शन फ्रेमवर्क से हम लोगों से एक कहेंगे कि आप हमारे फैमिली में जुड़िए और अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलाइए हमारे साथ। क्वालिटी कंट्रोल, हम लोग जितना भी कपड़ा आपको रेंट आउट कर रहे हैं या रेंटिंग कर रहे हैं वो हम लोग सिक्योरिटी देंगे कि हाँ आपका जो कपड़ा हमारे पास आ रहा है वो उसमें कोई भी चीज़ों की खराबी नहीं होगा। ये नहीं कि कस्टमर उसको काट दे या उसमें कुछ स्पॉट कर दे, जैसा आपने दिया हम वैसा ही आपको रिटर्न करेंगे। सिक्योर पेमेंट, अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ ही पेमेंट कराएंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं कराएंगे, जिससे कि सिक्योरिटी का रहेगा हमें कि हाँ कोई तरीके का हमें सिक्योर पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ माय टीममेट आकांक्षा विल टेल यू मोर अबाउट। नेक्स्ट वी हैव बेनिफिट्स व्हेन यू यूज आवर ऐप, ऑफ कोर्स इट्स कॉस्ट सेविंग। आपको एक ही बार में जो महंगे कपड़े खरीदने होते हैं वो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रेंट आउट करोगे रिलेटिवली चीप पर है ऑफ कोर्स। एंड अनदर थिंग यू गेट इज वैरायटी, हर ओकेजन के लिए आप अफोर्डेबल प्राइस में अलग अलग कपड़े रेंट आउट कर सकते हैं। कन्वीनियंस, आपको उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वी विल मेंटेन इट, वी विल टेक केयर ऑफ कीपिंग इट इन गुड कंडीशन। स्टोरेज स्पेस नहीं लगेगा आपको, जब आप रेंट आउट करो एक बार पहनोगे फिर आपको वापस उसको आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। गो टू मार्केट, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, प्रमोशंस के जो तरीके होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हम लोगों ने बेसिकली अभी 3 चूज किया, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है करेंटली फेसबुक टॉप पे आता है, सबसे ज़्यादा यूज फेसबुक है। हम लोग फेसबुक, इंस्टा, ये सारे जो सोशल मीडिया ऐप है उनसे कोलाबरेट करेंगे, वहाँ पे हम लोग अपने एड्स डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऐप के बारे में जान सकें। रेफरल प्रोग्राम्स, हम लोग जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे उनसे हम लोग दूसरे कस्टमर्स को रेफर करवाएंगे, ताकि उनके ऐसे प्रोग्राम्स चलाएंगे तो वो रेफर करके अर्न भी कर सकें, जिससे कि दे विल बी इंटरेस्टेड टू रेफर और हमें और कस्टमर्स ऐड हो सके। पर्सनलाइज ईमेल कैंपेन, हम लोग ईमेल गैदर करके उनके मेल्स पे हमारे प्रमोशंस डालेंगे सो दैट मोर पीपल कैन बी अवेयर ऑफ आवर ऐप। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सब्सक्रिप्शन फीस ऑफकोर्स, जो डिज़ाइनर्स होंगे या फिर वो लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्हें कपड़े रेंट आउट करने हैं वो सब से हम सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेंगे, विच विल बी 299, दैट विल ऐड ऑन टू आवर रेवेन्यू। नेक्स्ट इज रेंटल चार्जेस, जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से रेंट पे लेंगे ऑफकोर्स उनसे हम लोग चार्ज करेंगे। नेक्स्ट एडल्ट सर्विसेज, हम लोग एडल्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि इफ़ यू वांट फास्ट डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी, दैट इज अवेलेबल। देन मैचिंग एक्सेसरीज अगर आपको चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, लेकिन उसके एडल्ट चार्जेस होंगे। कंक्लूजन एंड फ्यूचर प्लान, एक्चुअली हम लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोग हमारा जो वेबसाइट है उसे बस एक वेडिंग्स तक रख रहे हैं या फिर वेडिंग ओकेजन्स तक रख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वन में एस्टेब्लिश वेल हम लोग और भी ज़्यादा ओकेजन्स कवर करेंगे एंड होपफुली वी विल बूम इन द मार्केट। थैंक यू।
फिजिबिलिटी फर्स्ट वन फर्स्ट पर्सन क्योंकि जैसे आप इसके एडवांटेजेस यू आर स्टिल यू नो मेंशनिंग हियर और सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान आई गो एंड फाइव बट आई आल्सो सर्च हियर नो सच रेंट आउट माय वार्डरोब एंड नो ऐप इज देयर नॉट क्लोथिंग ऐप इज देयर अभी हम इस पे काम कर रहे हैं यू गेट दिस आईडिया मैम ये बेसिकली हमारा आईडिया से सोचा है हमने कोई बात नहीं लिया गूगल से नहीं किया कभी कहीं इसके बारे में नहीं पढ़ा नहीं नॉट इवन हर्ड नॉट इवन सीन हम लोगों ने यही देखा है कि डिज़ाइनर्स से रेंट पे कपड़े लोग लेते हैं लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि बहुत महंगे कपड़े हमारे खुद के वार्डरोब में रहते हैं तो इट वाज जस्ट एन आइडिया कि अगर हम लोग हमारे कपड़े भी रेंट पे दे सकें और उससे कोई क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं जो कि वेस्ट हो जाते हैं तो अगर हम लोग उसकी कॉस्टिंग भी अगर वापस कर सकते हैं तो इट वुड बी गुड What kind of warehouse techniques you want to use? There will be a micro warehouse like Blinkit does. तब warehouse वाला कोई point नहीं आएगा क्योंकि हम लोग basically एक website या app बना रहे हैं उसपे. Getting my point. App बना रहे हैं. जी. But the app will deliver the physical product to somebody else. हाँ. Right. So either you will source the product from somewhere and then deliver. So we have thought on that. हम लोग direct मतलब जब कोई किसी डिज़ाइनर को या फिर किसी कस्टमर को अपने कपड़े रेंट पे डाल वो फोटोज़ वगैरह डालेगा बट कपड़े उसी के पास रहेंगे जब दूसरा उस चीज़ को रेंट आउट करना चाहता है तब हम लोग उसके पास से लेके तो कस्टमर वन हम लोग दूसरे को डिलीवर कर So their primary idea is the subscription. You place an order, they will go to that particular shop that I am having this product. And they will pick it up and deliver it to you. Now the problem comes here is your quality and what you say, that stability factor. Suppose that person changes his mind that no, I cannot give, I am not at house at this moment. Or the product as shown on the picture or on the website is not up to the mark. Then what are the steps that you should take? That is why I asked the first question that then what Blinkit did that moved to micro warehouse techniques where they have their own set of products already stored you place an order and it will get delivered to you so we currently have not thought of a store or something abhi hum log ka yahi hai in future we might of course add on to stores but abhi filhal just as we start up the app we have thought of the store I'm not talking about stores there are micro warehouses micro warehouse you understand like let me give you See, there are warehouses on the industrial areas which are large, with huge capacities, rent yes. and all. Now, taking again and again the example of a company will make things easier. Suppose micro warehouses are the small capacity, suppose in size of a room, in a place which is inside the cosmopolitan area or your target audience area or your client area. Suppose the blessing for NCR is that the whole NCR is divided among the highly developed residential cosmopolitan And within that, there are pockets of villages which has lesser rent, you know, rent margins. Yes. So you can hire a micro warehouse there, store your product there, and then spread it out from there to the nearby sectors or the nearby clients. So this is one thing. So you must think that how that inbound logistics factor will work for you. Yes. So we will consider that. We'll consider that. So just three questions. Like, have you worked some market research before jumping to this? Yes. So, what are the findings and feedback from the market? तो हमने डिज़ाइनर से भी कोलैबोरेट किया हमने उनसे बात करने की कोशिश की और वो भी काफ़ी एग्री हो गए थे यहाँ तक उन्होंने 20% मार्जिन भी हमको दे रहे हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने बेसिकली अपकमिंग डिज़ाइनर्स रखे हैं अभी हम लोग हाईली डिज़ाइनर्स तो हम लोग हायर नहीं कर सकते ना वो हमारे साथ कोलैब करेंगे क्योंकि हम एक स्टार्टअप है तो हमने अपकमिंग डिज़ाइनर्स देखे थे तो 1000 अप्रॉक्स यहाँ पे सिर्फ NCR में है
तो हमने उनसे बात बात की, नोएडा पे भी कुछ हमारे डिजाइनर्स हैं। हाँ एक स्लाइड है तो उसमें हमारे डिजाइनर्स हैं भी। उनकी रैंकिंग काफी अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट है। बट मैम जो कह रही हो एक वेरी वैलिड पॉइंट है कि इट विल डायरेक्टली रिलेट टू यू प्राइस थिंग। बट वन वेरी सीरियस नोट ऑफ एडवाइस, प्लीज डू नॉट शेयर द इंट्रिंसिक डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस प्लान। लाइक दिस इज माय सोर्स ऑफ, सपोज आई पिक अप दिस आइडिया एंड आई कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, आई विल टेक 15% योर आइडिया इज रॉन्ग, सो वी विल गेट पेटेंट फॉर दैट। यू विल गो गेट पेटेंट फॉर दिस आइडिया बिकॉज़ द आइडिया इज नथिंग इज ऑफ योर काइंड, नो यू आर जस्ट हैविंग एन आइडिया। Yes. So that's a very sincere advice. Please don't do it. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Have you identified some risk, business risk in this particular journey so far? What have you covered? Identifying some business risk, sir, which risk are possible. Risk of. Sir, risk basically यही आ रहा था। एक हम लोग में आया था कि side charge का problem आ रहा था। फिर हमने उसको सही किया, हमने उसको समझा कि हम already customer से उनका side charge मांग लेंगे, क्योंकि एक आपके जैसे जयेश ने उनसे हम लोग से बोला था कि side charge का issue होगा। तब हमने ये चीज़ ऐड की है बाद में कि साइड चार्ट हम ला के रखेंगे, हम पहले से अवेलेबल करा देंगे। फिर अभी सर ने बोला कि हाँ मास्क हाउस रखना पड़ेगा वेयर हाउस, तो हमने उसके बारे में सोचा है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स और हम दो कस्टमर को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो जैसे जो वो वो रैपिडो आप बोल सकते हैं कि वो बेसिकली यही वजह से डूब गया कि उन्होंने दो कस्टमर को कनेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा सर आप हटा दो वहाँ से, हम आपको ऐसे राइड में ले जा रहे हैं। इसलिए हम दो कस्टमर को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उनकी डिटेलिंग नहीं शेयर करेंगे एक दूसरे कस्टमर से। ग्लोबल मार्केट में भी कुछ एक्सप्लोर किया इस तरह के कुछ आइडियाज का? सर ये ग्लोबल मार्केट का ही डाटा था, सामान तो नहीं एकदम पर जुड़ेगा डाटा। ये मार्केट साइज हमारा बेसिकली ये हमारा मार्केट साइज जो है वो ग्लोबल पे एज करता है। सो एनी लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द ग्लोब फॉर दिस काइंड ऑफ आइडिया बट हियर टू दैट? सर ग्लोबली देखिए तो बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है ये तो, और आजकल तो देखा जाए तो क्या कहते हैं हमारे NRI जितने भी होते हैं वो बेसिकली इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। वो शादी करने के लिए इंडिया आते हैं, उन्हें कोई लहंगा एक लाख का डेढ़ लाख का लहंगा उनको लेना नहीं होता, उनको चाहिए बस सर्टेन टाइम के लिए, वो भी हमारे एक अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। सर हम लोग ऑफकोर्स होम डिलीवरी कराएंगे, उसके लिए हम लोग जो डिलीवरी कंपनीज होती है उनसे कोलैबोरेट करेंगे, एंड ऑफकोर्स जो भी उनके चार्जेस होते हैं वी विल टेक अप दैट। एंड हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दे विल कम टू अस एंड टेक द प्रोडक्ट, वैसे नहीं है। कोई नहीं है कहीं पे भी कि लोग रेंट आउट या रेंट इन करें, ये तीनों भी यही करते हैं डिजाइनर से करते हैं। सो हाउ यू आर प्लानिंग द सोर्स ऑफ फंड्स लाइक एंजल इन्वेस्टर्स? सोर्स ऑफ फंड्स में देखें तो ऐप बनाने का बेसिकली तो आप जितनी बड़ी टीम लोगे, आप जितने अच्छा ऐप बनवाओगे उतना अच्छा वो रन करेगा। अभी बेसिकली स्टार्टअप है हमारा, हमें भी इतना आइडिया नहीं है ऐप का भी, तो हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स में ही कोलैब किया कि हाँ वो अर्न। That's why continuously I think you have to explore the subject matter. Yeah. So it's because you have to begin with end in mind. You have to begin with end in mind. Even though you are starting, your starting journeys are different, challenges.
coming dynamically. So accordingly, we'll be improvising a lot of products and approaches and services, right? Because things will not be so smooth. आपने अपना प्रोडक्ट डाला तो आपको कमीशन मिलेगा. मैम एक प्रोडक्ट आप एक बार तो जाएगा नहीं रेंट आउट पे. आपने दिया रेंट आउट पे, आप उसको एंड टर्न नंबर टाइम डाल सकते हैं रेंट आउट पे ना. सो व्हिच मार्केट सेगमेंट यू आर टारगेटिंग? सो बेसिकली अपर मिडिल क्लास. मे बी यू कैन एक्सप्लोर फर्दर सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक इंडिया इज अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल स्टार्टअप इज ओके. Please work on last mile delivery challenges. That will be the most practical hassles that you will face. The last mile delivery, you understand, the final phase of delivery when the product is moving to the customer. Returns, cancellations, refunds, the cost. So, starting में debit and credit card payments इसीलिए रख रहे हैं जिसमें secure भी रहेगा. बाद में जब हमें लगता है कि हाँ हमारा अच्छा नाम हो गया है ये सब मैनेज कर सकते हैं तब हम लोग सी ओ डी भी रखेंगे. Another two aspect like how you're ensuring improved customer experience or delighted customers, how you're going to ensure, do you have some plan? So that you know, because you know that customer experience is going to ensure any business. Yes, sir. And that matters a lot. So do you have some platform where they can raise complaint and फीडबैक और कंप्लेंट्स एनीथिंग दैट द कस्टमर हैव दे कैन राइट इट आउट. एंड ऑफ कोर्स अगर जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो फिगर इट आउट. फीडबैक होगा इफ इट इज गुड देन इट्स फाइन, इफ इट इज बैड यू वर्क ऑन इट. टुवर्ड्स द लीगल एस्पेक्ट एंड कंप्लायंस वी विल शो एवरीथिंग एज़ पर इंडियन कंटेक्स्ट. यस सर. लीगली एक्चुअली ऐसा कोई इशू अभी तक तो नहीं. इश्यूज विल नॉट, यू हैव टू कंप्लाई. First of all, you have to understand the framework, legal framework, yes, to which you are going to operate. And then you have to fit into the legal framework to comply with. You will go for patenting also, right? Mm-hmm. So, have you started anything related to patenting? I have made a website, we have worked on it, basically our domain bhi hai. Abhi iska work chal raha hai. And that is a continuous process, right? Thank you. You need to elaborate more your business plan here. And you need to submit your PPT also. Okay. Huh? Yeah. My app is also moving. Yes,